मंदिरों का शहर है भिवानी, जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है। और महाशिवरात्रि का जिक्र आए, छोटी काशी का जिक्र ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और छोटी काशी के भी उस मंदिर का जो कि बरसों पुराना है, और बरसों पुराने इस मंदिर की मान्यता ये है कि ना केवल सावन के महीने में बल्कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के पर्व पर जिस तरह से श्रद्धालुओं की यहाँ पर कतारें देखी जाती है, ना केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि देश विदेश से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती है, ऐसी मान्यता है इस मंदिर की। मंदिर के महंत वेदनाथ जी हमारे साथ हैं। जोगीवाला ये मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, सुबह 3 बजे से इस तरह की कतारें लगी हुई है। आखिर महाशिवरात्रि पर्व का क्या महत्व है, बहन जी हमारे साथ है। बहन जी महाशिवरात्रि पर्व की आपको भी शुभकामनाएं, तमाम जो देशवासी हैं उनको शुभकामनाएं, क्या कहेंगे? तो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज पूरे देश और विदेश के अंदर हर जन जन के एक जागृता उपलब्ध, भगवान शिव एक उत्पत्ति का और पूरे सृष्टि का कण कण के अनुवास करते हैं, उसी के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि। वैसे तो हर मासिक में मासिक शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि फागुन के महीने में आती है। महाशिवरात्रि को जो हमारे ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव को हम उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले ये फागुन मास की चतुर्दशी और त्रयोदशी के अंतर में हुए। उसी के साथ जो माता पार्वती का पाणी ग्रहण हुआ है, जो माता पार्वती शक्ति और शिव और शक्ति का जो मिलाप हुआ है, उसका पाणी ग्रहण किया गया है, जिसका हमारे आजकल जिसके विवाह के रूप में महाशिवरात्रि को माता पार्वती के साथ विवाह हुआ है। इसीलिए महाशिवरात्रि का उपलक्ष्य भगवान शिव को सबसे बड़ा माना गया है। इसी के उपलक्ष्य में आजकल ये वर्षों मनाया जा रहा है। और जैसे काशी विश्वनाथ हमारे देश के अंदर है, उसी प्रकार भिवानी छोटी काशी के नाम से, क्योंकि काशी के अंदर हर गली में हर मोहल्ले में मंदिर है, हर जन में आस्तिक लोग हैं और धार्मिक लोग हैं। धार्मिकता का मतलब है कि जो समाज की सेवा, हर जीव प्राणी को भगवान के स्वरूप मानकर जो सेवा करता है उसी का आधार है। उसी प्रकार काशी विश्वनाथ में की तरफ से छोटी काशी के रूप में भिवानी को माना गया है कि भिवानी के हर गली में हर मोहल्ले में जगह जगह मंदिर है और धार्मिक विचारों के लोग हैं जो समाज की सेवाएं करते हैं, जो पशु पक्षियों की गौ माता की हर प्रकार से जिनके लंगर और भोजनालय किस हिसाब से जो अन क्षेत्र वगैरह खुले हुए हैं, जगह जगह गौशालाएं हैं और हर प्राणी मात्र को उस ईश्वर के स्वरूप में मानकर करते, उसी के उपलक्ष्य में आज जो छोटी काशी जोगी वाले मंदिर के रूप में जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा काशी विश्वनाथ की तरह ही छोटी काशी के रूप में जोगी वाला मंदिर। वैसे तो जोगी वाला योगी शब्द से बना हुआ है, क्योंकि योगी योगेश्वर महादेव है, भगवान शंकर जो योगेश्वर है तो उनकी तपस्या बाबा मेघनाथ जी की तपोस्थली है, वो योगी थे तो उन्हीं की योग्यता से योगेश्वर महादेव है, तो जोगी वाले मंदिर के नाम से व्याख्यात है। और उसी के उपलक्ष्य में आज आप जो पूरी जनसमाज सवेरे 3 बजे से कतार लगी हुई है, रात को 12 बजे तक इसी प्रकार चलती रहेगी। हर प्रकार से मानसिकता और आध्यात्मिकता और समाज सेवा के जिस भी कामना से यहाँ आराधना करता है वो पूर्ण रूप से फलीफूल होता है। जिस प्रकार आज शिवरात्रि का महत्व, उसका महत्व तो इसलिए है कि हम साल भर के अंदर जो कार्य करते हैं वो एक शिवरात्रि को उतना भजन और उतने अब हम पुण्य दान और उसका मनन चिंतन करेंगे, वो साल भर का इतना पुण्य मिलता है, इसलिए शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि हलाल का पान किया था भगवान शिव ने, महाशिवरात्रि का पर्व पानी ग्रहण का पर्व है, तो दोनों में कौन सा पर्व बड़ा है? वैसे तो सबसे बड़ा महाशिवरात्रि का फागुन का, इसमें भगवान शिव जो ज्योतिर्लिंग के रूप में हम मानते हैं, तो महाशिवरात्रि बड़ा ये माना जाएगा। और पाणी ग्रहण जो शक्ति और माता शक्ति का जो पाणी ग्रहण किया वो भी महाशिवरात्रि फागुन की है। तो सावन में हमारा महत्व इसलिए जल का महत्व है, क्योंकि गंगा जल का जो ठंडा अभिषेक जो भगवान शिव ने हलाल किया था, तो मासिक शिवरात्रि में जो शिवरात्रि तो वहां गंगा जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। उसी के महत्व के अनुसार सावन के अंदर जो कावड़ वगैरह चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो भगवान शिव को आराधना करते हैं ठंडा जल चढ़ा करके, तो वो जो जो समुद्र मंथन में जो लाल निकला था उसका ग्रहण किया था, इसलिए उसमें ज्यादा सावन में। लेकिन महाशिवरात्रि फागुन की बड़ी। त्योहारों का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है महाराज श्री? अगर सामाजिकता की बात करें, त्योहार हालांकि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से तो इनको माना ही जाता है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अगर बात करें, ऐसा है हमारा जो देश है आदि अनादि, हमारा जो सनातन धर्म है आदि अनादि माना गया है, जब से सृष्टि रची है ब्रह्मा विष्णु महेश जो ओमकार स्वरूप से जो सृष्टि का रूप धारण किया है,
वो एक आध्यात्मिकता के रूप से देखा, उसके साथ साथ हमारा जीवन और हमारा सामाजिक सारा स्थिति, हमारे जितने भी देवता आराधना के रूप में हमारे जिनको हम मान्यता के रूप में करते हैं, उन्होंने हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके जो मंथन किया है, जो त्योहार का वो उसमें शारीरिक मान और आध्यात्मिकता और समाज सेवा, उनका सवा तीनों का समन्वय होकर के ही ये कराया गया है। हर मौसम के अनुसार, हर ऋतु के अनुसार, हर सेवा के अनुसार और अध्यात्म की चेतना के अनुसार तीनों का समन्वय इसमें होता है। ये आदि अनादि सनातन हमारा त्योहार वार जो पूजा है वो उसके तहत बनाए। लोग व्रत भी करते हैं, व्रत का क्या महत्व है? व्रत का वैसे है कि हमारी पहले शुद्धि की जाती है, मन चित शुद्धि करने के लिए, शारीरिक शुद्धि के लिए हम आहार विहार पर निर्भर करते हैं। जिस प्रकार का हमारा आहार विहार करते हैं तो हमारा शरीर की जो अंदर से वो प्रतिक्रिया होती है, हम तमोगुण जिस प्रकार का खाते हैं तो हमारी शरीर के अंदर वो क्रिया होती है, हम सतोगुण के जिस प्रकार का आहार करते हैं हमारा शरीर का आहार उसी प्रकार से हमारे को देता है। तो व्रत में हमारी क्या है कि हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए पहले शारीरिक शुद्धि होगी, मन चित वृत्ति को शुद्ध करने के लिए पहले शारीरिक शुद्धि होती है, शारीरिक शुद्धि में व्रत का धारण करता है। वैसे तो किसी प्रकार का हम मनन चिंतन करने के लिए पहले किसी प्रकार का धारण करते हैं, तो व्रत का है कि उसमें शारीरिक शुद्धि और फिर आत्मादिक शुद्धि दोनों का समन्वय होने के लिए व्रत में सबसे बड़ा महत्व होता है। क्योंकि हम पहले कहा खान पीन का व्रत करेंगे तो हमारी जो शारीरिक जो क्रिया है वो पहले उसका दमन होगा, जिसके तमोगुण है वो नष्ट होगा, सतोगुण की प्राप्ति होगी। उसके साथ साथ निराहार रहने पर हमें आत्मा की है, फिर उठते हमारा ध्यान और चित्तवृत्ति शुद्ध रहेगी और हमारा मन चित्तवृत्ति उसी ईश्वर में लगेगा, इसका बड़ा महत्व है। प्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए महाराज महंत जो है वेदनाथ जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ना केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक तौर पर भी इस पर्व का अच्छा खासा महत्व है। छोटी काशी, छोटी काशी के मंदिरों में इस तरह की धूम है और ना केवल आज भिवानी बल्कि पूरे देश में इसी तरह से मंदिरों में धूम देखी जा रही है। वीडियो चलने सुमित अवस्थी के साथ रवि जागरा, इंडिया न्यूज।